मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल का ऐतिहासिक विशेष सत्र बुलाया है। सत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज को टिकाऊ और नियम कानून के दायरे में रहते हुए आरक्षण का लाभ देने की बात कही है। इस आरक्षण की घोषणा के बाद मराठा समाज ने नागपुर में जल्लोष मनाया। राज्य सरकार ने मराठा समाज को 10% तक आरक्षण की घोषणा सदन में की है, जिसे लेकर मराठा समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आज समाज संगठन की ओर से महल के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास जल्लोष मनाया गया। इस वक्त समाज सदस्यों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र सरकार ने आज मराठाओं का आरक्षण दिया है, विशेष अधिवेशन लेके इस विषय पे हम बात करेंगे कुछ लोगों से। मुझे बताइए, आज महाराष्ट्र सरकार ने जो है विशेष अधिवेशन लेके मराठाओं को आरक्षण दिया है, आपका क्या कहना है इस विषय? सकल मराठा समाज नागपुर की ओर से हम महाराष्ट्र सरकार के बहुत ऋणी हैं, आभारी है। सकल मराठा समाज बहुत दिनों से आरक्षण की राह देख रहा था। एक बार आरक्षण मिला, उसके बाद में वो हाईकोर्ट में रहा और सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहा, रद्द हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां निकाली थी वो गलतियां दूर करके अभी जो नया आरक्षण आज लागू किया है, वो आरक्षण विधान, वो आरक्षण का जो मसूदा विधेयक जो है, कायदा है, वो विधानसभा में और विधान परिषद में मंजूर हुआ है। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यह आरक्षण नहीं टिकेगा ऐसा कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आरक्षण चलेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा, क्या होगा? एक बार जो आरक्षण दिया था उसमें जो गलतियां निकली थी और बहुत सी कमियां निकली थी, वो कमियां दूर करके अभी राज्य सरकार ने यहाँ पे अनुभवी हमारे माननीय माजी मुख्यमंत्री और अभी जो उपमुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है। उनका अनुभव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब, इनका जो एक इनकी इच्छा है, जो उन्होंने कसम खाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के को नमन करके शपथ खाई थी, वो हिसाब से, और उनको ही पता है कि अगर इस वक्त आरक्षण अगर नहीं टिका, या आरक्षण नहीं टिका तो मराठा समाज बहुत खोल जाएगा, मराठा समाज नाराज हो जाएगा। वो हिसाब से उन्होंने पूरी पढ़ाई करके और पूरी उन्होंने दिक्कतें दूर करके, कमियां दूर करके यह आरक्षण घोषित किया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि यह आरक्षण भी टिकेगा। चरंगे पाटिल ने भी कहा है कि उनका भी आरक्षण, सरकार ने दिए हुए आरक्षण को विरोध है। उनका कहना है कि सगे सोयरे जो उनके उन्होंने बात कही थी वो भी मानी नहीं गई है, क्या कहेंगे? सगे सोयरे के बारे में भी आज मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है कि 6 लाख उनको जो ऑब्जेक्शन आए हैं, वो ऑब्जेक्शन के बारे में पूरा उनका पढ़ाई करके, उनके बारे में कुछ चर्चा करके उसके बारे में भी जल्दी हल निकालेंगे। जरंगे पाटिल जो आरक्षण को लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उसी माध्यम से सरकार ने ये आरक्षण का, हमारा जो ये 10% आरक्षण है, ये इस जरंगे पाटिल की वजह से लोगों हमको जल्दी मिला है। इसलिए हम जरंगे साहब के भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और जरंगे साहब की जिस प्रकार से मांगनी है सगे सोहरे कुनबी समाज ओबीसी में, वो भी जल्द पूरी हो जाए, ऐसी हम सरकार से गुजारिश करते हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ वक्त निकालने का ये काम है, कुछ जब इलेक्शन निकल जाएंगे तब आरक्षण जो है फिर से कोर्ट में मान्य नहीं होगा, और ये मराठा समाज की फसवणूक है, ऐसा कहा जा रहा है। मराठा समाज बहुत सालों से मराठा आरक्षण की राह देख रहा है, अब फसवणूक हो, फसवणूक अगर होगी तो उस वक्त हम देखेंगे क्या करना लगे। हमें लगता नहीं कि अभी हमारी हमको फंसाया जाएगा, लेकिन हमें विश्वास है कि अभी आरक्षण टिकेगा। समाज बांधवों का कहना है कि मराठा समाज को जो आरक्षण मिला है वो पक्का कोर्ट में टिकेगा, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि जो आरक्षण मिला है वो आगे तक रहेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़ा के साथ मैं प्रकाश शंकर, BCN न्यूज़ नागपुर।